करोड़ों रुपए की इंपोर्टेड बस पाकिस्तान में कैसे तैयार होती है, मेड इन पाकिस्तान बस इंपोर्टेड बसों से कितनी मयारी होती है, आइए जानते हैं। इंपोर्ट करें तो ये तो काफी महंगी गाड़ी है, 3 करोड़ रुपए की इससे जाना दे रहा है हमें। हम उसी बॉडी को सेम उसी शेप में पार्ट्स वही हैं, इसको हम 1 करोड़ 1.25 करोड़ में तैयार करके दे रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेजबान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान को वैसे तो बैकवर्ड कंट्री कहा जाता है लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान में अपनी मेड इन पाकिस्तान बसेस तैयार होती हैं। पाकिस्तान में वैसे तो बसेस इंपोर्ट की जाती हैं लेकिन जो बसेस यहाँ पर तैयार होती हैं इंपोर्टेड बसेस से कितनी सस्ती पड़ती हैं, कितनी कम कीमत है, और इसके अलावा जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है उसके प्रोसेस दिखाते हैं, फिर कितनी पायदार होती हैं, कितनी देर में तैयार होती है, सारे सवाल आते हैं जिसके जवाब आज हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। मेड इन पाकिस्तान जो बसेस यहाँ पाकिस्तान में तैयार होती हैं, सबसे पहला स्टेप ये वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि इब्तदाई तौर पर इस बस का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि ये बस की जो लेंथ है वो कितनी होगी, बस की चौड़ाई कितनी होगी, सिटिंग कैपेसिटी क्या होगी, इसके अलावा इस बस में कहाँ कहाँ पर सीट्स लगाई जाएंगी, कहाँ कहाँ पर जो ड्राइवर बैठेगा कहाँ से वो मूव करेगा, पैसेंजर कहाँ से मूव करेंगे, और इसके अलावा हर सीट के साथ कहाँ कहाँ पर विंडो होगी, फ्रंट विंडो कौन सी होगी, ये सारा अभी तक इब्तदाई तौर पे काम चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दीगर मटेरियल भी पड़ा हुआ है, मज़ीद कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब चलते हैं दूसरी जानिब जहाँ पर आपको दिखाते हैं कि सेकंड स्टेप में इस बस की तैयारी में क्या क्या हो रहा है। बस की तैयारी के दूसरे मरहले में ये बस इस कंडीशन में आ जाती है। अगर आप पहले कंडीशन में देखें तो पहले कंडीशन में सिर्फ पाइप्स लगाए गए हैं, स्ट्रक्चर तैयार किया गया, लेकिन दूसरे कंडीशन में उसको फिनिशिंग दी जा रही है। साइड पर लोहे की शीट्स लगाई गई हैं, छत पर लगाई गई हैं, इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर जहाँ लगी जाना होता है उस जगह को भी प्रॉपरली मेंटेन किया गया, टायर्स लगा दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर वायरिंग के जो कनेक्शन हैं वो भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पर लगेज रखा जाता है बसेस का। ये बस आप देख लें एक बस की क्या कंडीशन होती है, उसके बाद क्या लशपश बस निकल आती है, लेकिन पहले किस हालत में होती है इसकी आप तरतीब देखें तो हर सीट के आगे देखें ये जगह बनाई गई है, यहाँ पर सीटें रखी जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पर रास्ता होगा जहाँ से चल के मुसाफिर आएंगे और अपनी अपनी सीट पर बैठेंगे। अब चलते हैं हम तीसरे स्टेप की जानिब, देखते हैं इस बस की तैयारी के तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है। इस बस की तैयारी के तीसरे मरहले की बात करें तो अब इसमें इंजन फिट कर दिया गया है, इसको पुटीन लगाकर इसकी जो कंडीशन है उसको बहाल कर दिया गया है। साथ देखें तो इसकी मुकम्मल जो शीट होती है लोहे की उसको भी लगा दिया गया है, फ्रंट पर स्टेयरिंग लगा दी गई है, और इसके अलावा अंदर जो फर्श होता है लोहे का उसको भी छा दिया गया है। फिर इस गाड़ी में जो AC लगने हैं और उसके अलावा यहाँ पे LCD जो लगनी है, जो कनेक्शन होने सारे, उसके भी पोर्ट दे दिए गए हैं। आइए आपको अंदर से भी दिखाते हैं। अभी भी जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है मुकम्मल नहीं हुआ और वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, देखने में लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक तैयार होगी लेकिन अभी भी इसका बहुत सा काम मुकम्मल है। अगर आप इसको देखें अंदर से तो अंदर अभी काफ़ी काम होना बाकी है। चलते हैं चौथे स्टेप की जानिब, आपको वो भी दिखाते हैं कि अब इस बस की जो चौथी कंडीशन है उसमें इसकी क्या शेप निकल कर सामने आती है। तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं ये बस अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में आ चुकी है। विंडोज़ के ग्लास लग चुके हैं, कुछ विंडोज़ के बाकी हैं, ड्राइवर सीट के जो विंडोज़ के ग्लास हैं वो लगना बाकी हैं, और बाकी अंदर से दिखाते इंटीरियर में क्या क्या तब्दीलियां आ गई हैं, आइए देखिए। इस बस के इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है, वायरिंग का काम भी हो गया है, बर्थ भी तैयार हो गए हैं। बर्थ ये वो जगह है जहाँ पर कुछ मुसाफिर अपना सामान, अगर छोटा सामान होता है तो अपने साथ रखना चाहते हैं तो इस जगह पर रख लेते हैं। लाइटिंग का भी काम हो गया है, सीलिंग का काम मुकम्मल हो गया है, फर्श का काम मुकम्मल हो गया है, फर्श पर मैट भी छा दिया गया है। अब सिर्फ सीट्स लगना बाकी हैं जो कि जहाँ पर मुसाफिर बैठेंगे, वो लगने के बाद इस बस की क्या शेप क्या कंडीशन निकल आती है आप हैरान रह जाएंगे कि जब ये बस मुकम्मल तौर पर तैयार होती है तो कैसे निकल आती है। और अब जो आप कंडीशन देख रहे हैं उससे कंपेयर करें तो आइए आपको दिखाते हैं।
नाज़रीन ये वो बस है जो कि मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। आगाज़ से हमने आपको दिखाया इस बस की तैयारी के मुतालिक। तैयार होने के बाद इस बस को देखें तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि ये वही बस थी जो हमने आपको पहले दिखाई। इसको देखा जाए तो फ्रंट से इसकी जो हेडलाइट्स हैं, फोग लैंप्स हैं, डे टाइम रनिंग लैंप्स हैं, साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड मिरर हैं, इसके अलावा व्हील्स फिक्सिंग है, स्टिकर पेंट, सीट्स नहीं लगी हैं, स्टेयरिंग को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर यह बस तैयार हो चुकी है। अब ये बस इतनी तैयार हो गई कि सड़कों पर चल सकती है, मुसाफिर इसमें बैठ कर सफ़र भी कर सकते हैं। लेकिन ये कितने में तैयार हुई है, ये एक बहुत अहम सवाल है। कितनी कम कीमत पड़ी है, अगर इसको इम्पोर्ट किया जाता तो कितने की होती। यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान तैयार हुई है, कितने की तैयार हुई है आइए जानते हैं। गंजबख्श बस बॉडी मेकर से नदीम अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब ये बताएं कि ये जो बस हम देख रहे हैं ये तैयार हुई है आपके पास, मेड इन पाकिस्तान बस है, कितनी देर में तैयार हुई है, कितनी लेबर लगी है, कितने घंटे काम किए हैं? भट साहब इस पे ना 2 से 2.5 महीने लगते हैं, इस पे कम से कम भी 35 से 40 वर्क काम करते हैं और सुबह शाम काम करके फिर इसकी वर्क ख़त्म होती है। और उसके अलावा इस पे काफ़ी खर्चा भी आता है, दिन रात वर्क होती है, ये काफ़ी मसले हल करके फिर ये काम होता है। पहले स्टेप में जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उस स्ट्रक्चर की तैयारी में क्या क्या काम होता है? उस स्ट्रक्चर में लोहार काम करता है, पाइप मंगाते हैं, उसका जाल बनाते हैं, वेल्डर काम करते हैं, पाइप कटर से इसकी कटाई होती है, काफ़ी सेटिंग करके फिर इसका जाल मुकम्मल होता है। उसके बाद फिर चादर वाला आ जाता है, फिर वो चादर काम करता है, वो उस पर काफ़ी कम से कम वो भी 15 से 20 दिन लगाता है। फिर उसके बाद तरखाना आ जाता है अंदर, कारपेंटर काम करने वाला, उसके अलावा फिर पेंटर है बाहर वाला, वो पेंटर काम करता है। सारे ये बंदे काम करते हैं, फिर 2.5 से 3 महीने जाके फिर बस तैयार होती है। ये काफ़ी हार्ड वर्किंग काम है, इतना ईजी काम नहीं है। हाँ जी, ये जो बस हम देख रहे हैं इसमें जितने भी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है वो सारे यहाँ के लोकल पाकिस्तानी पार्ट्स हैं या इंपोर्ट किए? नहीं, ये सारे इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से, वहाँ से मंगवाते हैं फिर ये लाते हैं। अभी हम कंटेनर मंगवाते हैं सारे पार्ट्स के ना, पार्ट्स कंटेनर मंगा के फिर उसको लेके फिर गाड़ी तैयार करते हैं। क्या सर ये गाड़ी टोटली अंदाजन कितने में तैयार हुई है, अगर इम्पोर्ट की जाती यही गाड़ी कितने में पड़ती? ये भट साहब इम्पोर्ट करें तो ये तो काफ़ी महंगी गाड़ी है, 3 करोड़ रुपये की इससे हम चाइना दे रहा है हमें, ठीक है। हम उसी बॉडी को सेम उसी शेप में, पार्ट्स वही हैं, इसको हम 1 करोड़ 1.25 करोड़ में तैयार करके दे रहे हैं, रेडी गाड़ी ना, पूरी रेडी करके गाड़ी जी। तो जो लोग ये गाड़ी तैयार करवाते हैं यहाँ पर, वो शौकीन लोग होते हैं या बस कंपनीज वाले करवाते हैं? कोई शौकीन भी होते हैं, जैसे उनके पास गाड़ी होती है पुराने मॉडल की, उसके ऊपर नई गाड़ी तैयार करवा ली। कोई शौक भी होता है किसी का, ज़्यादा बिजनेस वाले लोग आते हैं, इनकी कमर्शियल पे गाड़ी चलती है, ये नियाजी अड्डे से चल गई, कोई कराची से आया, कोई कोटे से आया, कोई पेशावर से आया है, ऐसे करके हमारे से दूर दूर लोग से गाड़ियाँ तैयार कराने आते हैं। अभी हमारी इधर कराची की गाड़ी है खिपरो की, फिर उससे आगे भी लोग आते हैं, कराची से भी आते हैं, क्या नाम है, कोटे से भी आते हैं, पिंडी से भी आते हैं, अभी आज़ाद कश्मीर से भी हमारे पास गाड़ी तैयार करवाने आ रहे हैं। उधर एक अड्डा है व्रियाम नाम का, उससे हमारी गाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। इस गाड़ी में जो इंजन इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में बताइएगा। हाँ, इस गाड़ी में जो इंजन है ना वो है सीज़ो गाड़ी का 18 मॉडल, क्या समझे, उस पर हमने तैयार किया है। हम डैवो पे भी गाड़ी तैयार करते हैं, हीनो पे भी गाड़ी तैयार करते हैं, यूडोंग और डबल गाड़ी डबल ग्लास उसकी बॉडी हम मुकम्मल तैयार करके देते हैं जी। आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो बसें यहाँ पर इम्पोर्ट की जाती हैं उसकी नस्बत ये कितनी बेहतर है? कीमत में तो बचत है लेकिन उसके अलावा पायदार कितनी है? बट साहब इसमें ना पायदारी हमारी उससे बहुत ज़्यादा है, कंफर्टेबल भी गाड़ी ज़्यादा हम बनाते हैं, वो अपने तरीके से बनाते हैं, अपने मोहल्ल के हिसाब से हम अपने मोहल्ल के तरीके से बनाते हैं। हमारी गाड़ी कंफर्टेबल भी होती है, पायदारी भी ज़्यादा होती है, अच्छा लोया लगाते हैं हम, अच्छी चादर लगाते हैं, अच्छा पेंट यूज़ करते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें उससे बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है हमारी गाड़ी चल रही है और ऑलरेडी काफ़ी देर चल रही है, कम से कम भी 5 से 6 साल हमारी गाड़ी चलती है। नाज़रीन जैसा कि आप लोगों ने देखा है, इन्होंने ये कहा कि गाड़ी यहाँ पर जो तैयार होती है, बसें जो यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान होती हैं वो यहाँ की सड़कों के मुताबिक, यहाँ का एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक तैयार होती है, लेकिन जो इंपोर्ट की जाती हैं चाइना से या जापान से वो तैयार होती हैं उनके मुल्क के मुताबिक। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जो बसें यहाँ पर पाकिस्तान में तैयार होती हैं वो ज़्यादा बेहतर यकीनन होंगी। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।